सर ये तो मैं नहीं ये बता सकता कि आग लगी कैसे। मैंने पीसीआर को फोन किया, उसके बाद एसएचओ घरवाल को फोन किया और फायर ब्रिगेड को फोन किया। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी आ गई और आप देख रहे हैं जहां 100-150 लोग हैं, वॉलंटियर्स बहुत सारे गांव मेरे गांव के हैं, 30-40 लड़के, इन्होंने कंट्रोल किया। ये कंट्रोल नहीं करते तो अभी तक गांव जल चुका होता। तो चलो लोग, फायर ब्रिगेड भी आ गया है, फायर ब्रिगेड के जो लोग हैं डिपार्टमेंट के वो भी पूरी प्रयास किया उन्होंने और ये कंट्रोल हो गया। अदरवाइज ये रंधवाल गांव है, ये शानगुडिया गांव है, तो लगभग दो गांव इसकी चपेट में आ रहे थे। कुछ लोगों की सरसों वगैरह जल गई है, लेकिन लोगों ने, वॉलंटियर्स ने कंट्रोल करके आग को वहां यहां रोक दिया गया। आप देखिए यहां रोका गया, फायर ब्रिगेड बुझा रही है, घंटे से प्रयास किया जा रहा है, लगभग लोगों द्वारा एक घंटे से फायर ब्रिगेड भी अब प्रयास कर रहा है आग बुझाने का। और ये काफी वाइड एरिया है, लगभग ये 2000 एकड़ की एरिया होगा जो जल गया। लेकिन शुक्र ये है कि इसमें फसल कम जली है और ये एक खड्ड थी, इसके बीचों बीच ही ये आग लगी है। ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, फायर ब्रिगेड टाइम का पहुंच गया, आग बेकाबू थी और एक जगह नहीं लगी थी, 10 जगह लगी थी। तो फायर ब्रिगेड 10 जगह तो एडवांस नहीं बुझा सकता, तो यूथ आगे आया है, रंधवाल का सभी यूथ आगे आया है, शनगुडिया का आया है, बड़ियाल के काफी सारे लोग, क्योंकि उधर जो जमीन जली है, जो फसल जली है वो बड़ियाल की भी है, सनूरा पंचायत की है वो तो काफी वाइड एरिया में आग लगी है। फायर ब्रिगेड इन टाइम पर आ चुका है, तो प्रयास कर रहे हैं आग बुझाने का और लगभग 90% बुझ चुकी है आग। तो सभी के एक जुट जो प्रयास हुआ है, सभी लोगों का, इसमें वॉलंटियर्स, फायर ब्रिगेड, पुलिस, प्रशासन और आप जैसे मीडिया के लोग भी, मैं यहां देख रहा था।